हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे डेली मोस्ट फेवरेट एसेंशियल प्रोडक्ट्स अंडर 200 शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ ऐसे 12 प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो आइए जान लेते हैं। हम सुबह उठ के दिन का शुरुआत ही करते हैं फेस वॉश से। सुबह उठते ही हमारी स्किन काफ़ी ऑयली होता है, इसलिए हमें फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। और मैं हर दिन सुबह ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, लैक्मी ब्लश एंड ग्लो क्रीम फेस वॉश। दोस्तों, ये क्रीम बेस्ड फेस वॉश है। इसका फुल रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ये काफ़ी माइल्ड है और बहुत ही अच्छी तरीके से फेस को क्लीन कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप जब भी कोई भी फेस वॉश से फेस क्लीन करें तो नॉट मोर देन 60 सेकेंड्स आप यूज़ कीजिए उसे। आप 60 सेकेंड्स उसको अच्छे तरीके से फेस पर मसाज कीजिए, फिर वाटर से धो लीजिए। तो मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ हर रोज़, तो वो है लैक्मी ब्लश एंड ग्लो। दोस्तों, फेस वॉश करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है फेस को टोनिंग करना। तो टोनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का रोज़ टोनर। आप मेरे पर्पल वाला हॉल वीडियो में देख सकते हो, इसका प्राइस एंड प्रोडक्ट्स क्वांटिटी मैं उसी पर मेंशन कर दिया है। और ये मुझे काफ़ी पसंद है, मैं एक महीना से इसको यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ में आपके पोर्स को टाइटन भी करता है। नेक्स्ट टोनर के बाद आता है दोस्तों फेस सीरम। फेस सीरम लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, फेस को मतलब हेल्दी बनाता है। इनके लिए फेस सीरम एक प्रोटीन है, तो स्किन सीरम हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए फेस सीरम। और मैं फेस सीरम यूज़ करती हूँ बायोटिक का बायोडेंडिलियन विजिबली एजलेस सीरम। तो ये ख़त्म भी हो गया, बस थोड़ा सा ही है। इतना लाइट वेट है दोस्तों ये, और बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ में ये स्किन को ऑयली भी नहीं बनाता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका फुल रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो हमने पहला स्टेप फेस वॉश कर लिया, फिर फेस टोनिंग कर लिया, थर्ड स्टेप है फेस सीरम लगाना, वो भी हमने लगा लिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है दोस्तों मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए हर रोज़ लगाती हूँ गुड वाइब्स वाटरमेलन जेल। अभी जैसे समर सीजन आ गया है, इसलिए हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगा सकते, इसलिए मैं जेल फार्मूला में मॉइस्चराइजिंग क्रीम लिया है और मैं इसी को ही हर रोज़ यूज़ करती हूँ। आइए मैं इसको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, एकदम जेल फॉर्मूला में है और काफ़ी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है, साथ में ये ऑयली भी नहीं बनाता आपको स्किन को और ज़्यादा स्वेट भी नहीं आने देता। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर समर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अब बारी आती है सनस्क्रीन की, और सनस्क्रीन के लिए मैं लगाती हूँ लोटस हर्बल से सेफ सन यूवी स्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा स्मूदिंग सनस्क्रीन। और ये SPF 50 के साथ आता है दोस्तों, और PA++ भी है इसमें, साथ में ये UVA और UVB दोनों से आपको प्रोटेक्शन देती है। इसका फुल रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, आप इसका भी फुल रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हो मॉइस्चराइजिंग जेल का। दोस्तों, ये इसमें मेंशन है कि ये मैट जेल है। समर के लिए हम सबको हमेशा ही जेल फार्मूला वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि स्किन ज़्यादा ऑयली ना हो और बहुत ही जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए प्रोडक्ट। इसलिए हमें समर में हमेशा ही जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो ये भी एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छे से आपको सन टैनिंग से भी बचाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक लिप बम, मैं इसी को भी यूज़ करती हूँ क्योंकि समर सीजन है। ऐसा नहीं कि विंटर में ही सिर्फ आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, समर में भी काफ़ी लिप्स ड्राई होते हैं, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बम।
और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है और 412 ग्राम प्रोडक्ट इसमें मिलता है। देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी टिंटेड है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पिंकिश अंडरटोन में है ये। और एक ख़ास बात है इसका, इसको हर रोज़ यूज़ करने से आपके स्किन थोड़ी सी लाइटन हो जाती है। काफ़ी अच्छा है इसका फ्रेग्रेंस और इसका फ्लेवर फ्रूटी है तो मुझे काफ़ी पसंद है ये। नेक्स्ट दोस्तों तो अभी बारी आती है हेयर की। हर रोज़ तो हम लोग शैम्पू नहीं करते, अल्टरनेटिव डे पे शैम्पू करना चाहिए, हर रोज़ शैम्पू वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो मैं हर रोज़ मैट्रिक्स बायोलेज स्मूथ प्रूफ एवोकाडो सीरम इसी को यूज़ करती हूँ। हेयर सीरम हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम नॉन स्टिकी फार्मूला है दोस्तों। ये बहुत ही लाइट वेट है और इसे मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ। इसका भी आप फुल रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हो, तो उसका प्राइस या फिर और भी जो भी डिटेल्स है आप उस वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों बॉडी लोशन। तो मैं बॉडी लोशन के लिए ओरिफ्लेम एसेंशियल्स फेयरनेस बॉडी लोशन को यूज़ करती हूँ और इसमें यूवी फिल्टर्स है, साथ में विटामिन ई भी है तो इसी को ही मैं यूज़ करती हूँ। समर सीजन है, ये काफ़ी लाइट वेट है इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए दोस्तों कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो गया स्किन में। नेक्स्ट मैं मैरिड हूँ इसलिए मुझे सिंदूर की ज़रूरत पड़ती है और ये है जो भी इसका सिंदूर रेड कलर में, तो उसको मैं लगाती हूँ हर रोज़। ये भी एक डेली एसेंशियल्स प्रोडक्ट में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक अंडरआर्म रोल ऑन, ये है ओरिफ्लेम का सिल्क ब्यूटी वाइट ग्लो रोल ऑन। इस रोल ऑन का एक ख़ास बात होता है दोस्तों, इसका खुशबू मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन इसका ख़ास बात यह है ये धीरे धीरे आपके अंडरआर्म्स को लाइटन अप करता है, साथ में आपके अंडरआर्म्स से जो बैड ओडर आता है, जो मतलब बदबू आता है उसको ये कंट्रोल करता है। आप इसको मतलब एक वीक लगातार यूज़ करने से ये नेक्स्ट वीक या फिर 15 डेज तक आप इसको यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी बैड ओडर नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको मतलब बहुत ही पसंद है मुझको ये, इसलिए मैं इसको लगाती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से बैड ओडर को कंट्रोल करता है, उसको आने नहीं देता। ये एक रोल ऑन फार्मूला में आता है, ऐसे रोल होता है, मुझे काफ़ी पसंद है ये दोस्तों। और ये अंडरआर्म के जो टोन है उसको लाइटन अप भी करता है। फ्रेंड्स अभी समर है तो टेलकम पाउडर की ज़रूरत तो मतलब मस्ट है, इसलिए मैं एक टेलकम पाउडर को भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, वो है पॉन्ड्स सैंडलवुड रेडियंस टेलकम पाउडर। इसका फ्रेग्रेंस मुझे बेहद पसंद है और ये काफ़ी अच्छे से स्वेट को प्रिवेंट करता है आने से, मुझे बेहद अच्छा लगता है और बॉडी के जो बैड ऑडर है उसको भी हटाता है, इसलिए मैं हमेशा पॉन्ड्स सैंडलवुड वाला फ्लेवर ही प्रिफर करती हूँ, मुझे ये पसंद है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमने सब पूरे दिन के लिए जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट है मैं जो यूज़ करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो अभी रात को हमारा स्किन केयर रूटीन ख़त्म होता है और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करना होता है, हमें दिन में दो बार फेस वॉश करना होता है, एक सुबह उठकर ही नहाने से पहले फेस वॉश करना है, नेक्स्ट रात को जब हम सोने के लिए रेडी होंगे तब फेस वॉश करना है। तो रात में फेस वॉश करने के बाद हमें एक और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना चाहिए। मैंने जो पहला वाला मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लोगों के साथ शेयर किया था गुड वाइब्स वाटरमेलन जेल, इसको भी आप नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कभी कभी नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल या फिर ये मेरा नाइट क्रीम बायोटिक का बायो विद जर्म यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम, इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और कभी कभी
एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको जो पसंद है नाइट टाइम में उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा हर रोज़ का जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स है मैं उसको यूज़ करती हूँ, यही सब था 12 एसेंशियल प्रोडक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आपको जो आप भी अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट्स डेली यूज़ करते हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए दोस्तों प्लीज़। उसमें मैं हमेशा ही अफोर्डेबल एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स की रिव्यू करती हूँ, साथ में कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड DIYs भी शेयर करती हूँ। आई होप ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है Ready। थैंक यू दोस्तों।